नमस्कार मित्रों, रम्या रामायणी कथा चल रही है। मैं हूं डॉक्टर हरिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाराज दशरथ ने जब कौशल्या के ताने सुने तो पहले तो बेहोश हो गए, और जब होश में आए फिर उन्होंने अपने पास कौशल्या को खड़ा देखा तो एक तरफ राम का वियोग और दूसरी तरफ कौशल्या का ये संताप, इन दोनों कारणों से दह्यमानः सशोकाभ्याम कौशल्यामाह भूपति वीपमानं अंजलिं कृत्वा प्रासादार्थ अवांग मुखा। वो महाराज दशरथ जो है कौशल्या को देख करके कांपते हुए अंजलिं कृत्वा हाथ जोड़ करके प्रसादार्थम कौशल्या को प्रसन्न करने के लिए अवांग मुखा नीचे मुख करके जैसे माफी मांग रहे हों इस प्रकार से कौशल्या से कहते हैं, प्रसादये त्वाम कौशल्ये रचितोयम मयांजलि। हे कौशल्या, मैं तुम्हें प्रसन्न करता हूँ, मैं तुम्हारे सामने अंजलि ये हाथ जोड़ रहा हूँ। वत्सला चा नृशंसा चा त्वम ही नित्यम परेश्वपि। तुमने कभी भी किसी व्यक्ति के प्रति दुर्व्यवहार नहीं किया है, तुमने तो हर एक व्यक्ति पे कृपा की है, सब पे कृपा करने वाले रहे हो, आज मुझ पे भी प्रसन्न हो जाओ, मुझ पे भी कृपा कर दो। इस प्रकार से महाराज दशरथ जो है कौशल्या से माफी मांग रहे हैं और कहते हैं, भर्ता तु खलु नारीणाम गुणवान निर्गुणोपिवा धर्मम विमृश मानानाम प्रत्यक्षम देवी दैवतम। कहा यह जाता है कि स्त्री के लिए उसका पति गुणवान हो या निर्गुण हो, लेकिन वही उसके देवता के समान होता है। सात्वम धर्म परानित्यम दृष्ट लोक परावरा नार्य से विप्रियम वक्तुम दुखितापि सुदुखितम। मैं मानता हूं कि तुम दुखी हो, इसलिए दुखी की वजह से तुम ऐसा बोल रही हो, लेकिन मैं तुम्हारा पति हूं, इस प्रकार से तुम्हें मुझे ताने नहीं देने चाहिए। तद्वाक्यम करुणम राज्ञा श्रुत्वा दीनस्य भासितम कौशल्या व्यसृजत वाष्पम प्रणालीव नवोदकम। अभी तक जो कौशल्या क्रोध में थी, गुस्से में थी, उसको अपने पुत्र की चिंता थी, पुत्र वधु की चिंता थी, वो कौशल्या महाराज दशरथ जब हाथ जोड़ के इस प्रकार माफी मांगते हैं, इस प्रकार से बोलते हैं, तो उनके ये दीन वचनों को सुनकर के व्यसृज वाष्पम प्रणालीव नवोदकम, जैसे बरसात ऋतु में नालियां बह जाएं, इस प्रकार से कौशल्या की आंखों में से आंसुओं की धारा बहने लग गई है। सा मूर्धनी बद्ध्वा रुदती रागना पद्म विवांजलिम संप्रमाद अब्रवीत त्रस्ता त्वरमाणाक्षरम वचा। महाराज दशरथ ने जो हाथ जोड़ रखे थे उन हाथों को वो अपने सिर पे रख लेती है और रोती रोती हाथ जोड़ करके महाराज दशरथ के पैरों में अपना सिर रख करके और बड़ा जल्दी जल्दी बोलती है, प्रसिद्ध सिरसा याचे भूमो निपति तास्मिते। हे महाराज, आप प्रसन्न होइए, मैं आपके चरणों में पड़ी हूं, याचितास्मि हता देव हंतव्याहम नहीं त्वया। आप मुझसे माफी मत मांगिए। पति पत्नी से माफी मांगे ये अच्छा नहीं लगता है, आप मुझसे माफी मत मांगिए। अरे मैंने जो आपको कठोर वचन कहे हैं, मैंने जो आपको ताने दिए हैं, उसके लिए मैं सजा के पात्र हूं, आप मुझे सजा दीजिए। यहां ये जो भारतीय नारी के संस्कार है या रामायण जो हमें एक संस्कार देती है, उसकी बात महर्षि वाल्मीकि ने की है कि कौशल्या को क्रोध आया है, दुखी है, ऐसी स्थिति में जब दशरथ से कुछ कह दिया है और दशरथ जब उसके पास माफी मांगने लग जाते हैं तो उसको ये लगता है कि नहीं, ये तो मुझसे बड़ी गलत हो गया, मेरा पति मुझसे माफी मांगे। नैसा हिसा स्त्री भवती श्लाघनीय न धीमता उभयोर लोकयोर वीरे पत्याया संप्रसाद्यते। अरे जो पति स्त्री के दोनों लोकों का स्वामी है, भैया जीते जी और मरने के बाद, जीते जी और मरने के बाद का किसी ने देखा नहीं है, लेकिन जीते जी यानी जब जवाने का समय होता है, जब व्यक्ति हर तरीके की सुखियां सुख उसके पास होते हैं, तब तो दोनों साथ में रहते हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति ये कहती थी, उत्तर रामचरित में बहुभूति ने भी लिखा है कि जब वृद्ध हो जाते हैं तब भी
ये दंपति जो हैं एक दूसरे का साथ देते हैं, ये है असली प्रेम। यहां ये जो दूसरा जन्म है, जो परलोक है, ये मरने के बाद के लोक की बात आप मत समझिए। ये परलोक यानी जब हमारा शरीर हमारा साथ देना बंद कर देता है, उस स्थिति में भी जब पति पत्नी का साथ देता है तो ये तो पति ही कर सकता है, क्योंकि न तो माता पिता इस उम्र तक जीवित रहते हैं और ना भाई बंधु सखा या और कोई ऐसा होता है जो इस स्थिति में व्यक्ति का साथ दे पाए। तो इसलिए जो हमेशा स्त्री का साथ देता है, उभयोर लोकयोर वीर पत्याया संप्रसाद देते, और उससे अगर कोई स्त्री माफी मंगवाए तो वो स्त्री कभी भी प्रशंसनीय नहीं होती है, वो हमेशा निंदा के पात्र होती है। इस प्रकार से कौशल्या महाराज दशरथ से ये कहती है कि मैं जानती हूं कि आप धर्मज्ञ हैं, लेकिन सुख में आकर के दुख में आकर के मैंने जो कुछ आपसे कह दिया है, आप मुझे उसके लिए माफ ना करें, आप मुझे सजा दीजिए। कहती है शोको नाशयते धैर्यम, शोक से व्यक्ति का धैर्य नष्ट हो जाता, शोको नाशयते श्रुतम, शोक से व्यक्ति का ज्ञान नष्ट हो जाता है, शोको नाशयते सर्वम, शोक से व्यक्ति का सब कुछ नष्ट हो जाता है, नास्ति शोको समोरूपो, शोक से बढ़ के इस दुनिया में और कोई शत्रु नहीं है। और ये शोक के वशीभूत होकर के मैंने जो आपसे ये कहा है, वनवासाय रामस्य पंचरात्रोद्य गण्यते यः शोकः हर्षाया पंचवर्षोपमा मम। महाराज ऐसा क्यों हो गया मुझसे, आज राम को गए हुए 5 रात्रियां व्यतीत हो गई हैं, और ये 5 रात्रि मुझे 5 वर्ष के समान मैंने व्यतीत किए हैं, इसलिए आपसे मैं जो बोल गई बस आप प्रसन्न हो जाइए, आगे से कभी भी ऐसी कोई बात नहीं होगी। अथ प्रहलादितो वाक्य देव्या कौशल्यया नृपः शोकेन च समाक्रांतो निद्राया वस मे इवान। जब कौशल्या ने दशरथ से इस प्रकार से कहा तो दशरथ को थोड़ी शांति मिल गई है, दुख से व्याकुल है, लेकिन कौशल्या ने जब इस प्रकार की बातें की हैं तो उनको थोड़ी शांति मिल गई है, निद्राया वस मे इवान, और वो थोड़ी देर के लिए सो गए हैं, निद्रा वशीभूत हो गए हैं। ये सर्ग यहाँ पूरा होता है, आगे की कथा अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। धन्यवाद। रम्या रामायणी कथा चल रही है, सुनते रहिए।